दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिस और पहलवानों के बीच हुई झड़प को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे बेटियां जिन्होंने विदेश की धरती पर जाकर हिंदुस्तान के लिए तिरंगे झंडे को फहराई और हमारे देश के लिए मेडल जीत कर लाई, उन बेटियों को घसीट घसीट कर जेल के अंदर ठूसा जा रहा है, जो कि अत्यंत निंदनीय है। आगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो संगठन जिंदगी भर पंडित नेहरू का विरोध कर रहे थे, उन्हें आज उनका ही सहारा लेकर अपना बचाव करना पड़ रहा है। ये सत्ता का हस्तांतरण किससे हो रहा है? क्या लोकतंत्र से तानाशाह का सत्ता हस्तांतरण हो रहा है? बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते थे, आज न बेटी सुरक्षित है और वो बेटियां खासकर जिन्होंने विदेश की धरती में जाकर हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को फहराया और हमारे लिए देश के लिए मेडल जीत के आया, जिसे हम सबको गर्व है, उन बेटियों को घसीट घसीट कर जेल के अंदर ठूसा जा रहा है। ये बिल्कुल निंदनीय है। जिसके खिलाफ पास्को एक्ट है लगा है, वो खुले में घूम रहा है और जो जिन्होंने आवेदन दिया उसको जेल की सिक्चों में डाला जा रहा है। ये अंधेर नगरी चौपट राजा। विपक्ष ने यदि मांग की है कि उसके राष्ट्रपति से उद्घाटन कराया जाए, तो इस मांग को मानते तो प्रधानमंत्री जी को कद बड़ा होता, उसे घटता नहीं। लेकिन जिस प्रकार से सत्ता हस्तांतरण का तो सिंगूल के बारे में जो व्यक्ति जिंदगी भर, जो संगठन जिंदगी भर पंडित नेहरू का विरोध कर रहे थे, आज उन्हीं का सहारा लेकर अपना बचाव करना पड़ रहा है, इससे ज़्यादा हास्यास्पद उनकी क्या हो सकती है? वैचारिक रूप से नेहरू जी के जो लगातार विरोध कर रहे हैं, आज सारे नेशनल टीवी में आप देख लीजिए, नेशनल अखबारों में देख लीजिए, सब नेहरू जी ने जो सत्ता हस्तांतरण को जो उस समय जो दिया था उसके बारे में, उस सिंगोल के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन उस समय तो ब्रिटिश जा रहे थे और देशवासियों को के हाथों सत्ता का हस्तांतरण होता, आज कौन सा सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है? वहाँ किससे सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है? क्या लोकतंत्र से तानाशाह का हस्तांतरण हो रहा है? कि क्या है ये सत्ता हस्तांतरण? किसका? लोकतंत्र से राजतंत्र की ओर जा रहे हैं क्या? उसका हस्तांतरण हुआ है, किसका प्रतीक है ये? तो ये सत्ता हस्तांतरण किसका है? ये एक बड़ा सवाल देश के सामने है।